आज उनसे एक सवाल पूछा गया कि आप पाटीदारों को आरक्षण देंगे, तब उन्होंने वो सवाल प्रदेश अध्यक्ष को डायरेक्ट कर दिया। आपने टीवी पर लाइव देखा, तो राहुल गांधी अब कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, 2 महीने से पाटीदारों के हित की बात कर रहे हैं, अनामत की बात कर रहे हैं, लेकिन उसका रोडमैप क्या है इसका जवाब वो नहीं दे सके। मतलब राहुल गांधी के पास जवाब नहीं है, या वो जवाब से कन्विंस नहीं है। राहुल गांधी डज नॉट हैव एनी रिप्लाई टुडे व्हेन द क्वेश्चन वाज आस्क्ड। मैंने ये बात यहां अपने पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही थी। मैंने 8-9 सुप्रीम कोर्ट के केसेस को कहा था, पाटीदारों का हम सम्मान करते हैं, हमारी पूरी संवेदना है उनकी मांग के प्रति, लेकिन संवेदना एक बात है, संवैधानिक रास्ता दूसरी बात है। तो क्या राहुल गांधी अगर 50% का लिमिटेशन है, तो आप गुजरात के नौजवान पाटीदारों को मिसलीड कर रहे हैं? उनके बगल में उनके अध्यक्ष ने कहा कि हम कानून बनाएंगे। श्रीमान अध्यक्ष जी गुजरात के कांग्रेस पार्टी के, आपकी विधानसभा असंवैधानिक कानून नहीं पास कर सकती, वरना 1 मिनट में टूट जाएगा वो। आपने देखा होगा, कांग्रेस की सरकार ने पुराने आंध्र प्रदेश में आरक्षण दिया था मुसलमानों को, वो टूट गया था सुप्रीम कोर्ट से, बाकी को दिया गया। इसलिए कृपया करके मिसलीड करना बंद करें।